हम ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ बड़े हुए हैं जिन्हें हमने एक पल के लिए देखा होगा और फिर इग्नोर करके आगे बढ़ गए बिना ये जाने कि उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है। चाहे वो जीन्स की एक्स्ट्रा पॉकेट हो या टूथपेस्ट का कलर बार, हर किसी के होने के पीछे एक कारण है। यहाँ पेश है कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल आप नहीं जानते थे। कीबोर्ड बम्प्स। कीबोर्ड सभी रंगों में आता है और इसमें इतने बटन हो सकते हैं कि आपको पता भी नहीं होगा कि उनका करना क्या है। लेकिन ध्यान से देखिए, हर कीबोर्ड में एक या दो बटन ऐसे जरूर होंगे जो आपने अब तक नोटिस भी नहीं किए होंगे। F और J बटन को ध्यान से देखिए और आप देखेंगे कि उनमें एक छोटा सा उभार यानी बम्प है। वो किस लिए है? क्या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग में गलती है या अंधे लोगों के लिए? ऐसा नहीं है, ये दरअसल यूजर की मदद के लिए बनाए गए हैं ताकि कीबोर्ड में देखे बिना भी वो अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर पोजीशन कर सके। टूथपेस्ट ट्यूब्स कलर बार। टूथपेस्ट में इतनी वैरायटीज आती है कि सबको याद रख पाना मुश्किल है, पर आप चाहे जो भी फ्लेवर यूज कर रहे हो, हर ट्यूब के अंत में एक कलर्ड बार होती है। सालों तक लोग ये सोचते रहे कि ये सारे रंग टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ट्यूब के अंत में ये कलर्ड मार्क सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के उद्देश्य से रखा जाता है। फैक्ट्री में इसका उद्देश्य सिर्फ ऑप्टिकल स्कैनर को ये बताना है कि ट्यूब का अंत कहाँ है, ताकि उसे आगे बढ़ने से पहले सील किया जा सके। स्मॉल स्नैप्स। अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह जीन्स पहनते हैं तो आपने अपनी पॉकेट में वो छोटे से बटन जरूर देखे होंगे। जब शुरू शुरू में जीन्स को बनाया गया था तो उन्हें मेनली उस समय मजदूर पहना करते थे और उन्हें अक्सर नई जीन्स खरीदनी पड़ती थी क्योंकि ये पुराने वाले खुल जाते थे। ये स्नैप्स या जिन्हें रिवेट कहा जाता है, उन्हें बनाया गया था ताकि वो कपड़े को पकड़ के रखे अत्यधिक परिश्रम होने के बावजूद। तो वो रिवेट्स दरअसल आपके जीन्स को लंबे समय तक चलाने के लिए मददगार हैं। होल इन पॉट हैंडल्स। अगर आपके पॉट के हैंडल में एक छेद है तो इसका मतलब आपके पास एक बना बनाया चम्मच होल्डर है। अब आपको खाना बनाते वक्त किचन काउंटर में सामान ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस चम्मच को उस हैंडल के छेद में डाल दीजिए और उसका ऊपरी हिस्सा पॉट के ऊपर झूलता रहेगा जो बाहर आते हुए सॉस को वापस पॉट में डाल देगा। पैडलॉक्स स्मॉल होल। पैडलॉक्स अलग अलग साइज और रंगों में आते हैं, लेकिन उनका एक ही पर्पस होता है, चीजों को खुफिया तरीके से लॉक करके रखना। अब उसे जरा ध्यान से देखिए और आप नोटिस करेंगे कि की के लिए जो स्पॉट है वहाँ पर एक छोटा सा छेद है। ये छोटा सा छेद दरअसल धूल और पानी को लॉक से बाहर निकालने के लिए है, अगर आप इसे घर के बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल लॉक की ऑयलिंग के लिए किया जाता है अगर उसमें जंग लग जाए तो। टिक टैक लिड्स। ये छोटे फ्लेवर्ड माउथ फ्रेशनर अक्सर एक पारदर्शी प्लास्टिक की डिबिया में बेचे जाते हैं जिसमें एक फ्लिप एक्शन वाला हिंज लिड होता है। पर क्या आपने कभी टिक टैक के कंटेनर को ध्यान से देखा है? अगर आप करीब से देखेंगे तो खुलने वाले फ्लैप में एक छोटा सा ओवल बना हुआ है और अगर आप लिड को खोलने से पहले बॉक्स को दाईं तरफ टर्न करते हैं तो ये फीचर सिर्फ एक टिक टैक को बाहर आने देगा। ये एक बहुत अजीब फीचर है और लगभग हर कोई इसे इग्नोर कर देता है। लिटिल पॉकेट इन जीन्स। हम जब से जीन्स पहन रहे हैं हमने देखा है कि हमारी पॉकेट में एक और छोटी पॉकेट होती है। लोग ये मानते रहे कि ये पॉकेट टिकट और सिक्के रखने के लिए यूज होती है, लेकिन वास्तव में वो छोटी पॉकेट एक पॉकेट वॉच रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये उस समय बनाई गई थी जब मजदूर लोग रिस्ट वॉच नहीं पहना करते थे और जाहिर सी बात है सेल फोन भी नहीं होते थे। लिटिल होल्स इन कन्वर्स शूज। स्नीकर आईलेट्स। स्नीकर आईलेट्स वो छेद होते हैं जिनमें से आप अपनी जूतों के थ्रेड बांधा करते हैं, पर शायद आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जूतों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आईलेट्स होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनका आविष्कार वेंटिलेशन के लिए किया गया, जबकि कई और सोचते हैं कि कन्वर्स का आविष्कार बास्केटबॉल के जूतों के रूप में हुआ था, इसलिए एक्स्ट्रा होल से लेसेस बांधने पर जूते फिट रहते थे। होल इन पेन कैप। हम सभी पेन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ की तो आदत होती है उन्हें चबाते रहना, खासकर पेन के ढक्कन को। पर क्या आप जानते हैं पेन के ढक्कन में एक ऐसा फीचर होता है जिसका उद्देश्य वो नहीं जो हम सोचते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस ढक्कन में छेद बॉल पॉइंट पेन को सूखने से बचाने के लिए रखा जाता है या एक प्रेशर बैलेंस बनाने के लिए जिससे कि पेन लीक ना हो, पर वास्तव में ऐसा नहीं है।
ढक्कन में इस छेद को सुरक्षा के उद्देश्य से रखा जाता है, दम घुटने से बचाने के लिए। यदि कोई ढक्कन को निगल जाए और ये गले में फंस जाए तो। स्टेशनरी कटर नाइफ। यूटिलिटी ब्लेड्स बहुत सारे साइज और रंगों में आते हैं। आपने शायद अपने बॉक्स कटर के ब्लेड पे या यूटिलिटी नाइफ उन छोटी छोटी स्कोर लाइंस को नोटिस किया होगा। आप जब चाहे अपने ब्लेड के एंड को तोड़ सकते हैं एक धारदार ब्लेड पाने के लिए। ऐसा करने के लिए उसका कैप निकाल दीजिए, ब्लेड को पीछे से बाहर निकालिए और उस कैप का इस्तेमाल करके उसके एंड को तोड़ दीजिए। आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैक कैप के एक स्लॉट को यूज कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नॉलेज दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।